100 फीट गहरी विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में निकुंभ वंश के राजा मिहिर भोज, जिन्हें राजा चांद के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा करवाया गया था। वहीं उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया था। इसके साथ ही राजा ने जयपुर आगरा मार्ग पर स्थित दौसा जिले के पास इस छोटे से गांव आभा नगरी को भी स्थापित किया, जो कि इस सबसे बड़ी चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि चांद बावड़ी के अंदर करीब 3,500 संकरी सीढ़ियाँ हैं, जो कि बेहद कलात्मक और शानदार तरीके से बनाई गई हैं। इसके साथ ही यह देखने में बेहद आकर्षक लगती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को दुनिया की सबसे प्राचीन बावड़ी से पानी निकालना होता था तो इसके लिए उसे 3,500 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना पड़ता था। चांद बावड़ी से जुड़े रहस्य और भूल भुलैया के रूप में बनी इसकी सीढ़ियाँ। इस 13 मंजिला चांद बावड़ी में 3,500 सीढ़ियाँ भूल भुलैया के रूप में बनी हुई हैं। इस बावड़ी में एक तरह की करीब 250 सीढ़ियाँ हैं, जिनको देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। एक ऐतिहासिक कहानी के मुताबिक एक बार इस अनूठी चांद बावड़ी में मौजूद अंधेरी उजाली सुरंग और गुफा में एक बारात उतर गई और फिर वो लौटकर वापस कभी बाहर नहीं आई। इसके साथ ही बावड़ी से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया की यह सबसे बड़ी बावड़ी को सिर्फ एक रात में ही तैयार किया गया है। वहीं कुछ लोग तो रहस्यमय तरीके से भूत प्रेतों द्वारा इस बावड़ी के निर्माण की बात कहते हैं। चांद बावड़ी में बनी है एक गुप्त सुरंग। दुनिया की सबसे प्राचीन और बड़ी बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि चांदनी रात में दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देती है। 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी बावड़ी में न सिर्फ एक नृत्य कक्ष बना हुआ है, बल्कि इसमें एक 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक भीषण संघर्ष और युद्ध के दौरान राजा एवं उनके सैनिकों द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था। बावड़ी की निचली मंजिल पर भगवान की भव्य प्रतिमाएं भी सुशोभित हैं। इसके साथ ही इस बावड़ी में सबसे गहराई तक जाने के लिए 3500 सीढ़ियों के साथ साथ 13 सोपान भी बेहद कलात्मक तरीके से बनाए गए हैं। यही नहीं, इस विश्व प्रसिद्ध बावड़ी की सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताखों में भगवान गणेश और महिषासुर की विशाल मूर्तियाँ भी सुशोभित हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।